हेलो गाइस, मैं हूं अभी अमृतसर में और मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। यार गुड न्यूज़ ये है कि मैं यहां पे बहुत सारा बढ़िया खाना खाने वाला हूं। यार बैड न्यूज़ ये है, मैं अमृतसर में सिर्फ 24 घंटे के लिए हूं एंड इट्स गोना बी टाइट। टाइम बहुत कम है। और यार अगर अमृतसर आए हो ना, अपना दिन स्टार्ट करना है आपको इन बढ़िया अमृतसरी कुलचों से। और यार यहाँ के जो फेमस कुलचे हैं ना, वो हैं पहलवान के कुलचे। बट भाई पहलवान कुलचे वाला अंदर अंदर गलियों में था और यार वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, ना ही वहाँ पे बैठने की जगह थी। यू कैन थैंक मी लेटर, अंदर गाड़ी मत लेके जाना वरना मेरी तरह फंस जाओगे और गाड़ी में बैठना पड़ेगा। मैंने यार पहलवान के कुलचे के पास बहुत सारे और कुलचे वाली शॉप्स हैं, तो यार मुझे वहाँ से ही लेके सेटल करना पड़ रहा है अभी तो, क्योंकि भाई इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। एंड अगर आपको नहीं पता कि अमृतसरी कुलचा क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। पहले तो इसको देखो भाई, लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। यार इन्होंने मैदे का डो लिया, उसके अंदर आलू की फिलिंग की, तंदूर में डाला बहुत सारा, इसके ऊपर बटर डाला एंड इसको क्रश करके दिया। साथ में इन्होंने छोले की सब्जी दी है और एक इन्होंने टांगी किस्म की अनियन वाली चटनी दी है। वेल ओके, लेट्स डिग राइट इनटू इट। अमृतसरी फूड की पहली बाइट। ओ एक तो यार ये क्रिस्प है ऊपर से, दिस इज लोडेड विद आलू और जो बटर का फ्लेवर आ रहा है, मतलब कुलचा बहुत ज्यादा स्मूथ है यार। एंड मजा पता है इस टांगी चटनी के साथ आ रहा है। यार ये कुलचे ना मैंने रामगढ़िया गेट के जस्ट पास में दो तीन कुलचे वाली दुकान है वहाँ से मैंने लिया है एंड देवर अमेजिंग भाई। पैसे पूरे किए हैं इन्होंने पूरे और अब खाने को थोड़ी देर पॉज दो और गोल्डन टेम्पल घूम के आओ। और हाँ, गाड़ी को पार्किंग में लगा देना और रिक्शा लेके अमृतसर की गलियों की वाइब लेना। बट गाने से यार गोल्डन टेम्पल वाली वाइब नहीं आ रही, गाना चेंज करो यार। देखो भाई, आई अंडरस्टैंड, हो सकता है कि लंगर की लाइन में आपका लगने का मन ना हो, बट कड़ा प्रसाद खाना मिस मत करना भाई। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ट्रीट्स दैट यू विल एवर हैव। मुझे पता है गोल्डन टेंपल देख के अब आप थक चुके होंगे और अब आपका मन कर रहा होगा कि यार कुछ बढ़िया सा पीने को मिल जाए, है ना भैया? ज्ञानी पंजाबी लस्सी शॉप बैठिए भाई। ज्ञानी पंजाबी लस्सी शॉप इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लस्सी शॉप इन अमृतसर। ये इतनी फेमस शॉप है कि हर रिक्शे वाले को पता है कि ये शॉप कहाँ पे है। भाई पीनी हो तो ज्ञानी की लस्सी पीना, फेमस भी है और बहुत अमेजिंग भी। अमेजिंग के चक्कर में यार मैं दो ग्लास लस्सी पी गया एंड आई एम लिटरली डेड भाई। लस्सी एक तो क्या मीठी थी और कितनी ज़्यादा रिच थी यार। वो उन्होंने ना उसके ऊपर बहुत सारी मलाई भी डाली हुई थी, पेट मेरा ऊपर तक भर गया यार। अब मुझे बिस्तर चाहिए और मेरी इस फूड जर्नी में अब थोड़ी देर टू टाइम्स, तो थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ अब मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यार ये ब्रेक ना कुछ दो या तीन घंटे का स्ट्रेच हो चुका है और अब भाई आई एम ऑल सेट एंड नाउ वी कैन हिट द स्ट्रीट्स अगेन। और मैं अमृतसर आया हूँ और अमृतसरी मच्छी ना खाऊं ऐसा तो ना हो सकता है। सो अमृतसरी मच्छी, लेट्स गो।
गाइस मैं ना यार मक्खन रेस्टोरेंट पे हूँ और मुझे बताया गया था यहाँ की अमृतसरी मच्छी इज लाइक बॉम्ब। एंड मैंने पता नहीं क्यों अज्यूम कर लिया था ये यार ये कोई स्ट्रीट साइड जॉइंट होगा, बट भाई दिस इज अ फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट एंड आई कैन सी पीपल इवन सिपिंग बियर्स हियर। और भाई यहाँ का सीन एकदम सॉर्टेड है और मतलब मैंने इन्हीं से पूछा यार कुछ रिकमेंड कर दो बढ़िया फिशेज में, तो इन्होंने मुझे फ्राइड सिंघाड़ा रिकमेंड की विच इज हेयर एंड इंटरेस्टिंगली साथ में इन्होंने मुझे वाइट मेयो भी सर्व किया इसके साथ। आई मीन मतलब दिल्ली में मैं फिश एंड चिप्स बहुत खाता हूँ तो फ्राइड फिश वहाँ मिलती है और उसके बाद मेयो सर्व हो रही होती है, सो टेस्ट बहुत अच्छा आता है एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी दैट दे गेट द टेस्ट। तो साथ में इन्होंने मेयो सर्व किया विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन मेरे को तो भाई ये चीज़ देख के मैं तो इम्प्रेस हो गया इनसे। एंड साथ में इन्होंने मुझे बोला कि तंदूरी सोल फिश भी हमारी ट्राई करो, सो ऑलराइट तंदूरी सोल फिश here you go. Oh bhai this is blazing hot. Woo! Green chutney hai saath mein. All right let's dig right into it. Bhai this is good man. Yaar inhone mujhe 4 piece tandoori swordfish ke diye aur iska price hai 390 and mujhe kahin na kahin ye lag raha hai yaar Amritsar mein aise bahut sare स्ट्रीट फूड जॉइंट्स होंगे जहाँ पे यही सेम फिश इससे थोड़े कम प्राइस में मिल सकती थी, बट मेरे से अगर पर्सनली पूछो ना यार फ्लेवर तो बढ़िया है इस फिश का। अब मैं भाई ट्राई करूँगा इनकी फ्राइड फिश। ओ ये यार फ्राइड फिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल्ली में भी मैं फिश फिंगर्स बहुत खाता हूँ। ओ यार ये फिश फ्राइड है पर इसमें कोई भी इंटरेस्टिंगली कोई भी क्रिस्पीनेस नहीं है, बट पता चल रहा है फ्लेवर की वजह से कि भाई इसको फ्राई किया हुआ है और पर्सनली मुझे दोनों में से ये फिश ज़्यादा बेटर लगी। यार देखो फिश तो बढ़िया थी बट मेरे साथ ना भी एक लॉल हुआ है, वापस होटल चलो बताता हूँ क्या हुआ है। हाँ यार मैं क्या बता रहा था कि मेरा लॉल कैसे हुआ। ओके कल रात को हमने मक्खन की फिश खाई थी और आज सुबह सुबह मेरा प्लान था कि जलियावाला बाग जाऊंगा, बिकॉज वाई नॉट यार अमृतसर आओ जलियावाला बाग तो जाना बनता है। एंड 11:30 बजे तक अपना दिल्ली निकलेंगे एंड रात तक घर। बट आज है भाई संडे और आज अनफॉर्चुनेटली जलियावाला बाग बंद होता है, सो जो गलती मैंने की है भाई वो गलती तुम मत करना। बट गुड न्यूज़ ये है कि रमेश शर्मा की फेमस जलेबी शॉप भाई 10 बजे ही खुल जाती है और अब लेट्स ईट सम जलेबीज बिफोर वी गो होम। अबे यार फिर से लॉल हो गया। अच्छा हमें दिल्ली निकलना है एक्चुअली वरना खा के जाते जलेबी। यार दिस इज सीरियसली फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब मैं क्या उम्मीदों से आया था यहाँ पे जलेबी खाने की। एंड सुन तो लिया होगा आपने, अंकल ने बोला है 12:30 तक रुक जाइए फिर आपको जलेबी खिलाएंगे। मैंने कहा अंकल 12:30 तक नहीं रुक सकता मैं, अभी टाइम हो रहा है 10:30 एंड एट एनी कॉस्ट आई हैव टू लीव अमृतसर 11 बजे तक अगर मुझे आज में दिल्ली पहुँचना है और कल ऑफिस जाना है तो, और मुझे जाना ही है तो, इसलिए भाई यार मुझे ना ये फीलिंग आ रही है कि अमृतसर चाहता है कि भाई मैं फिर से आऊँ यहाँ पे और अगली बार टाइम निकाल के आऊँ और मैं अगली बार सच में आने वाला हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने मिस की हैं, 2-3 दिन तो निकाल के आऊँगा ही। तो भाई फ्रस्ट्रेशन में ना जो जो उनके पास अभी पड़ा हुआ था मीठे में मैं सब कुछ एक एक ले आया हूँ। दिस इज देयर गुलाब जामुन, आई मीन दिस इज द पॉलिथिन इसके अंदर है, एक सेकेंड। गुलाब जामुन भाई साहब सुबह सुबह गुलाब जामुन खा रहा हूँ मैं। ओहो गुलाब जामुन नेवर डिसअपॉइंट्स यू, और आज भी नहीं किया इन्होंने। जो मैं गुलाब जामुन दिल्ली में खाता हूँ ऑलमोस्ट सेम ही है बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार मीठा अलग है इसमें। मालपुआ भाई मरती खाऊंगा पहले, इससे मुझे इनकी जलेबी का थोड़ा सा हिंट तो हो जाएगा। जलेबी ना वैसे मेरी फेवरेट चीज है, टॉप 5 में तो पक्का आती है वो, इससे मरती के शशके एकदम अलग है। ऑनेस्टली यार मुझे इमरतियाँ इतनी पसंद नहीं थी, कड़क जलेबी फ्रेश मुझे पसंद है बट
पूरी खत्म कर सकता हूँ मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मालपुआ। इस मालपुए के अंदर मीठा क्यों नहीं है? सच में इसके अंदर बिल्कुल भी मीठा फ्लेवर नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्यों। थोड़ा थोड़ा तो मीठा होना चाहिए था भाई। मैं तो अपना गुलाब जामुन ख़त्म करूँगा, फिर दिल्ली जाऊँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। बस यही बताना था कि जलेबी को सैक्रिफाइस करके मैं दिल्ली टाइम पे पहुँच गया था। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई मीन घूम के मैं आया हूँ, खाना खा के मैं आया हूँ, बट देख के तो तुम मज़े ले ही सकते हो। सो I'm gonna see you real soon and I hope I'll get to travel more. Let's hope for the best. See you next time.